एडवांस कैटेगरी में आज हम देख रहे हैं पाइक क्लाइंब। हमने पाइक पुशअप किया था तो आज आप कीजिए, इसे ही स्टैटिक बना देते हैं मित्रों, कोई भी मूवमेंट नहीं होना। इसके लिए हमें लो प्लैंक यानी कि एल्बो प्लैंक में आ जाना है और अपने हाथों को जोड़ सकते हैं और यहाँ पाइक पोज में जितना आगे आ सकता है आ जाइए। आपका अपर पार्ट और लोअर पार्ट ट्रायंगल के दो साइड के रूप में होने चाहिए, यहाँ यहाँ बने रहिए जितना देर तक बन सकते और फिर स्लोली वापस। यह हमारा पाइक प्लैंक, एल्बो से स्लोली आप आइए, यहाँ बिल्कुल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ हेड को जितना नीचे इससे वापस। अब 5 सेकंड से शुरू कीजिए, धीरे धीरे हम 30 सेकंड में जाइए और 2 मिनट तक भी जा सकते हैं इस पाइक पोज में जो हमारा फाइनल पोज है। आपको लॉन्ग ब्रेथ लेना होगा, लीजिए आगे यहाँ बने रहिए, अपने नी को लॉक और यहाँ वापस। तो यह है हमारा पाइक प्लैंक जो कि अपर बॉडी यानी कि स्पाइन को इरेक्ट कर देता है, इलोकेट कर देता है ताकि हमारा स्पाइन बिल्कुल सीधा हो जाता है, बुजुर्ग होने से भी झुकने की नौबत नहीं है, आपके बुढ़ापा के अंतिम दिन तक भी लंबाई वही बना रहेगा जो जवानी में था।